आज हम प्रमुख ग्रंथ पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्रंथ पूछा जाता है और इसमें कहाँ पर संग्रह किया गया है ये पूछा जाता है और इसका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डॉक्टर जगदीश गुप्त। पहला क्या है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। इन्होंने क्या लिखा है ग्रंथ? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। और इसको कहाँ पर रखा गया है, इसका संग्रह कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है बताइए? नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में। और इसको कब लिखा गया था? 1967 ईस्वी में। आ गया समझ में? चलिए दूसरा आता है V.S. वाकड़कर। इनका क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और धर्मयुग भी किसका है? वाकड़कर का है। और इसको कब रखा गया लिखा गया था? 14 जून 1959 में। कब? 1959 में लिखा गया था। तीसरे जो नेक्स्ट आते हैं वो है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स किसका है? तो ये है पर्सी ब्राउन का। और इसको कब लिखा गया? 1953 ईस्वी में। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त का कौन सा है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। और वाकड़कर का कौन सा है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और धर्मयुग। पर्सी ब्राउन का, इंडियन पेंटिंग्स। नेक्स्ट है डीएल ड्रेक। नेक्स्ट है डीएल ड्रेक। तो डीएल ड्रेक ने क्या लिखा है? इम्पीरियल गजेटियर ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। इम्पीरियल गजेटियर ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। इसको कब लिखा है? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है एस के पांडे। क्या है? एस के पांडे। इन्होंने क्या लिखा है? इंडियन रॉक आर्ट आर्यन बुक। और ये कहाँ पर संग्रहित है? ये नई दिल्ली में है। तो डीएल ड्रेक ने क्या लिखा है? इम्पीरियल गजेटियर ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। समझ गए? एस के पांडे ने क्या लिखा है? इंडियन रॉक आर्ट। तो रॉक किसने लिखा है? पांडे जी रॉक आर्ट। ड्रेक कौन है? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। याद करने की ट्रिक है। पर्सी ब्राउन क्या है? पेंटिंग कैसी है? ब्राउन कलर की है। वाकड़कर कौन है? बाण लेकर कौन खड़ा हो जाता है जब धर्म की बात आ जाती है? तो धर्मयुग किसकी है? वाकड़कर की है। और भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, अगर हम प्रागैतिहासिक चित्रकला देखें तो उसमें बहुत सारे तीर धनुष लिए बैठे रहते हैं ना, तो उससे याद कर लीजिए कि वाकड़कर ने बाण से याद कर लीजिए। बाण लेकर कौन खड़ा होता है? धर्मयुग, धर्म की जब बात आती है। दूसरा है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो पुराने ज़माने में क्या होता था? बाण लेके खड़े हो जाते थे, तो उससे याद कर लीजिए। पहला है डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो जगदीश जी कैसे थे? बहुत पुराने ज़माने के थे। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। प्रागैतिहासिक अगर पहले आ रहा है तो वो है जगदीश जी, मतलब सबसे पुराने आदमी कौन है? जगदीश गुप्त हैं। अगर भारतीय प्रागैतिहासिक आ रहा है, मतलब भारतीय पहले आ रहा है, प्रागैतिहासिक बाद में आ रहा है, तो वो है वाकड़कर जी, मतलब अपने भारतीय हैं जो, वो वाकड़कर जी हैं। ठीक है, समझ गए होंगे? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। जगदीश गुप्त कैसे हैं? पुराने ज़माने के हैं, तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। वाकड़कर जी कैसे हैं? पहले वो भारतीय हैं, फिर वो पुराने ज़माने के बारे में सोचते हैं, और जब धर्म की बात आती है तो हम बाण लेके खड़े हो जाते हैं, याद हो गया। पर्सी ब्राउन, पेंटिंग कैसी है अपनी, इंडिया की पेंटिंग कैसी है? ब्राउन कलर की है, तो पर्सी ब्राउन इंडियन पेंटिंग, याद हो गया। डीएल ड्रेक तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग जो जैसे हैं, हम लोग डेक बजा के कहाँ पर जाते हैं? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। मिर्ज़ापुर मूवी तो देखी होगी, जो वेब सीरीज आई थी, बस उसी से याद कर लीजिए कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट वाले कैसे हैं, डेक बजाकर हमेशा डांस करते हैं। पांडे जी ने क्या किया है? इन्होंने तो पत्थर को ही लेके आर्ट बना दिया है, मतलब इंडियन रॉक आर्ट, क्योंकि ये इंडियन थे, पांडे जी थे इंडियन, इन्होंने रॉक लेकर आर्ट बना दी, याद हो गया। नेक्स्ट है आर्यन बुक। आर्यन बुक अपने भारत में ही आर्यन थे, तो आर्य कौन होंगे? आर्य किसको कहेंगे? जो पंडित होगा उन्हीं को आर्य कहेंगे, बुरा मत मानिएगा, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। तो आर्यन बुक किसकी है? एस के पांडे जी की है, याद हो गया, उम्मीद है पूरा याद हो गया होगा। साथ में याद करते चलिए, दोबारा देखना है तो बस रिवीजन के लिए बस। नेक्स्ट है स्वर्गीय राय कृष्णदास। इनकी क्या है? भारत की चित्रकला। तो भारत की चित्रकला किसके, हाँ तो क्या बोल रहे थे,
हाँ, भारत की चित्रकला। तो भारत की जो चित्रकला है वो किसकी है? राय कृष्णदास की। तो कृष्ण जी जो हैं सबसे ज़्यादा अपने भारत की चित्रकला किसके ऊपर बनी है? कृष्ण जी के ऊपर। किसके ऊपर? कृष्ण जी के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि भारत की चित्रकला किसकी है? कृष्ण जी की है। और इसको कहाँ संग्रहित किया गया है? वाराणसी में। संग्रहण आप बाद में याद करिएगा, ग्रंथ जो है ये तो इम्पोर्टेंट रटे होने चाहिए। ये बात की बात है कि वो कहाँ संग्रह है, संग्रह भी याद करना है, लेकिन ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए कि ग्रंथ कहाँ है, ग्रंथ किसकी है। समझ गए? भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयागराज, ये ठीक है। मूर्तिकला वाराणसी 1961 ईस्वी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। नेक्स्ट है डीएच गार्डन। नेक्स्ट आ जाता है डीएच गार्डन ने क्या लिखी है? इंडियन केव पेंटिंग्स, गार्डन में केव पेंटिंग्स। तो कैसे याद करना है? डीएच गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, बगीचे में क्या है? केव है, केव, ठीक है, याद कर लो ऐसे। डीएच गार्डन, इंडियन केव पेंटिंग। नेक्स्ट है आर्य अग्रवाल, भारतीय चित्रकला का विवेचन। अग्रवाल जी तो भैया बहुत ज़्यादा विवेचना करते हैं, तो याद कर लीजिए भारतीय चित्रकला का विवेचन सबसे ज़्यादा किसने किया है? अग्रवाल जी ने किया है, ठीक है। इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ 2000 ईस्वी में था। नेक्स्ट है अविनाश बहादुर वर्मा, इन्होंने क्या लिखा है? भारतीय चित्रकला का इतिहास रच दिया है। जब किसी का नाश आ जाता है तो वहाँ से इतिहास की रचना हो जाती है, याद कर लीजिए। जब किसी पर नाश छा जाता है तो भारतीय चित्रकला मतलब इतिहास बन जाता है, याद कर लीजिए। अविनाश बहादुर वर्मा ने क्या लिखा? भारतीय चित्रकला का इतिहास। कहाँ पर है? बरेली 1999। नेक्स्ट आता है गिरजा कुमार अग्रवाल। क्या आता है? जी के अग्रवाल, इनको जी के अग्रवाल भी कहते हैं। तो इन्होंने लिखा है कला और कलम। किसने लिखी है? अग्रवाल जी ने। अग्रवाल जी विवेचना बहुत ज़्यादा करते थे, तो उनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती थी? कला की। और कलम की जब ज़्यादा विवेचना करेंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बताइए आप खुद ही, कलम की। तो बस याद कर लीजिए कला और कलम किसकी है? गिरिराज किशोर अग्रवाल, समझ गए। ये कहाँ है? अलीगढ़ में, ठीक है। टीएन चतुर्वेदी, आ गए चतुर्वेदी जी। तो ये राजस्थानी वैभव। अच्छा हमें ये बताइए कि जो वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है वो कौन करवाता है? पंडित जी करवाते हैं। और पंडित जी ही लोग क्या लिखते हैं? चतुर्वेदी लिखते हैं। तो चतुर्वेदी ने क्या लिखी है? वैभव। कौन सी वैभव? राजस्थानी वैभव। क्या लिखी है? राजस्थानी वैभव। इसका संग्रह कहाँ है? नई दिल्ली में। समझ में आ रहा है या फिर डायरेक्ट पढ़ा दें? देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि जल्दी समझ में नहीं आता जब तक ट्रिक से नहीं बताया जाए, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। तो आप हमें पहले कमेंट में बता दीजिएगा कि ऐसे पढ़ाएं या फिर डायरेक्ट बताते जाया करें। खैर ये वीडियो तो आप देख ही लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। श्याम बिहारी अग्रवाल, अब बिहारी जी हैं तो भैया इतिहास तो रच के जाएंगे ही। तो भारतीय कला का इतिहास किसने लिखा है? श्याम बिहारी। और साथ में श्याम जी भी हैं, श्याम बिहारी दोनों मिल गए तो फिर क्या है, इतिहास तो रचना ही है। भाग एक व भाग दो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने सिंहावलोकन। अच्छा ये बताइए नंदलाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंदलाल ऐसे याद कर लीजिए कि जो नंदलाल थे वो हमेशा सिंहासन पर बैठते थे। कौन थे? सिंहासन पर बैठते थे। तो बस याद हो गया नंदलाल बोस, क्या लिखा है इन्होंने? भारतीय कला का सिंहावलोकन। और कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली 1955। नेक्स्ट है प्रेमचंद गोस्वामी, इन्होंने लिखा है आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ। क्या लिखा है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ। तो क्या है? हाँ कौन गया, हाँ ये है आधार स्तंभ। आधार, जब भी किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो हम उसको आधार बोलते हैं। और आधार हमेशा कैसे की जा, आधार मतलब स्टार्टिंग कैसे की जानी चाहिए? प्रेम से। तो प्रेमचंद गोस्वामी ने क्या लिखा है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ लिखे हैं। और इसको कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है जयपुर 1995। ये टाइम पीरियड है बता रहे हैं, ये कोई जगह नहीं है 1995, ठीक है, यह समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इन्होंने क्या लिखा है, वासुदेव जी हैं भैया तो वो तो केवल कलाकारी बस जानते हैं, वासुदेव जी तो केवल कलाकारी जानते हैं, तो इन्होंने क्या लिख दिया, भारतीय कला। इनका जो संग्रह है वो वाराणसी में है। वाचस्पति गैरोला आता है, वाचस्पति गैरोला, इन्होंने क्या लिखा है, भारतीय चित्रकला। तो जो रोएगा, जो रोएगा वो जो ज़्यादा रो, वाचस्पति आता है, आता है वाचस्पति गैरोला, इन्होंने लिखी है भारतीय चित्रकला। तो जो रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, तो उसको तो सब कोई कहेंगे ना, अरे ये तो कलाकारी कर रहा है, अरे ये तो कलाकारी कर रहा है। तो भारतीय चित्रकला किसकी है, वाचस्पति गैरोला की है, डब्लू जी आर्चर। नेक्स्ट आता है डब्लू जी आर्चर, तो इन्होंने क्या लिखी है, मॉडर्न, वो सॉरी इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट। तो आर्चर, आर्चर कैसा नाम लग रहा है, जैसे बिल्कुल से अभी नए टाइप का, बिल्कुल तो उतने से याद कर लीजिए, मॉडर्न टाइप का। आर्चर कौन है, मॉडर्न आर्ट, इन्होंने क्या लिखी है, इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट। कहाँ की है, लंदन में रखी है, 1959 की है। आ बर्नेस, आ बर्नेस, तो द आर्ट इन पेंटिंग, द आर्ट इन पेंटिंग। बर्नेस ब्रस, ऐसे याद कर लीजिए कि ब्रस, बर्नेस ब्रस। ब्रस का यूज कहाँ होता है, द आर्ट इन पेंटिंग, पेंटिंग में होता है। तो इसको कहाँ रखा, क्या है इसका, NY 1937, ठीक है। आता है नेक्स्ट, समझ में तो आ रहा होगा ना, या फिर हम फास्ट पढ़ा दें, पढ़ा दें फास्ट, चलिए ठीक है। एच रीड, क्या लिखा है इन्होंने ग्रंथ, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पेंटिंग, लंदन में रखी है 1959 में। आनंद कुमार स्वामी ने क्या लिखा है, क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट। साखलकर, नेक्स्ट आता है साखलकर, इन्होंने क्या लिखा है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास, कहाँ, जयपुर 2009 में। फिर साखलकर आता है यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, कहाँ, जयपुर 2008 में। रीता प्रताप, ये कहाँ है, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, जयपुर में। हिलिस रिचर्ड, ये कहाँ है, क्या लिखा है, ग्राफिक डिज़ाइन आ कंसीज हिस्ट्री, लंदन 2021 में, हो गया। राकेश गोस्वामी ने क्या लिखा है, भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, खंड एक और खंड दो, गोस्वामी पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट, प्रयागराज, प्रथम संस्करण फरवरी 2021 में। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है समकालीन कला, ललित कला अकादमी, कहाँ है, नई दिल्ली में है। और अवधेश मिश्र कला दीर्घा, लखनऊ में है, सभी अंक रखे हैं। ज्योतिष जोशी, इन्होंने क्या लिखा है, भारतीय कला के हस्ताक्षर किए हैं, और कहाँ रखा है, दिल्ली में, संस्करण 2013 का है। विनोद भारद्वाज ने लिखा है बृहद आधुनिक कला कोश, दिल्ली, संस्करण 2015 का है। अशोक भौमिक, क्या लिखा है, समकालीन भारतीय चित्रकला, हुसैन के बहाने, दिल्ली, संस्करण 2012। तो ये थे हमारे सभी ग्रंथ, इम्पॉर्टेंट थे सारे के सारे, तो कितने थे, 30 थे, ठीक है।